तो मुमकिन है। आज सारा देश जो है मोदी को मान रहा है, ना कि आपको मान रहा है। कोई भी सरकार हो, जब हम मेहनत नहीं करेंगे कोई खाने के लिए नहीं देगा। काहे नीतीश कुमार रहना चाहिए अब बचे, मतलब क्यों नहीं रहना चाहिए ये बताइए ना। लड़का ग्रेजुएट करके घर पे बैठा है, चाय बना रहा है कोई ठेला पे, तो कोई पकौड़ा छान रहा है। एजुकेशन सेक्टर में जब तक काम नहीं होगा, मिडिल क्लास और लोअर क्लास का विकास नहीं हो सकता है। किसी का सरकार रहेगा बिहार में तो यहाँ पर कल कारखाना आज तक नहीं लगा, आना लगने वाला है। घर का जो मेन गार्जियन है वो तो मोदी जी हैं, वो देखे तभी ना होगा। नीतीश कुमार जब वहाँ तक पहुँचाएंगे बात, तभी तो बात होगी ना। जब नीतीश कुमार आए, मोदी सरकार अमित शाह आया, सब चीज का रेट बढ़ गया। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटना जंक्शन पर, और जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे पटना जंक्शन है। और आज का जो मुद्दा है वो है बिहार सरकार को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ समय से थोड़ी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है बिहार सरकार के लिए। क्योंकि खासकर से देखा जाए तो शिक्षकों पर लाठीचार्ज से लेकर 13 जुलाई वाले लाठीचार्ज, बहुत सारी ऐसी मुद्दे हैं जो कि विपक्ष पार्टी उठा रहे हैं। आप बताइए भैया कि बिहार में नीतीश सरकार रहना चाहिए या फिर नहीं? रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कारण? नहीं, नीतीश कुमार रहना चाहिए। हाँ, कहाँ रहना चाहिए नीतीश कुमार? मतलब क्यों नहीं रहना चाहिए ये हमको बताइए। कहाँ नीतीश कुमार रहना चाहिए अब बचे, मतलब क्यों नहीं रहना चाहिए ये बताइए ना हमको। यही तो पूछा जाए, कहाँ रहना चाहिए? अच्छा है, अच्छा है सरकार है। पेट्रोल का रेट क्या? पेट्रोल का रेट। अच्छा, पेट्रोल का रेट बताइए। तो पेट्रोल का रेट यहीं पे बढ़ा है बस। अरे भैया, तो यूपी और बिहार यहीं कंपेयर देख लीजिए, 9 रुपये 10 रुपये आपको मार्जिन दिख रहा है। एक लीटर पे 27 रुपया उनको टैक्स जाता है, तो ये प्रधानमंत्री से आप सवाल करीब नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री से सवाल कैसे करोगे, जाके डायरेक्ट अंदर करोगे सवाल के, इसी के थ्रू तुम्हारे वीडियो के थ्रू ही जाके अंदर जाएगा सवाल, तो यहीं से जाएगा ना। शराब बंदी होगी तो शराब बंद है बिहार में, बंद है सवाल पर ना। नहीं नहीं, आपसे नहीं नहीं नहीं, वही बीजेपी नहीं नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं बीजेपी से तो अच्छा है, आप बीजेपी बोल रहे हैं कि बीजेपी अच्छा है। तो गैस सिलेंडर का दाम कितना मोदी जी बढ़ा दिए हैं? वो तो बढ़ेगा ना, 400 से 1200 कर दिए तेगुना, वो 10 रुपये दिख रहा है, 8 रुपये महंगा वो नहीं दिख रहा है। आप बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी जितने हर कंट्री में जाके दोस्त बनाए हैं, जितना स्वागत कोई यहाँ के प्रधानमंत्री बिहार का चाहे वो चाहे कहीं का किया है, जाके कहीं भी इतना सक्सेस दिखाया है, बताइए क्या दोस्ती से क्या मतलब है हमको? हाँ, खाइए, यहाँ पे खाने के ठीक नहीं है, दोस्ती कर रहे हैं, दोस्ती में जाके लुटा रहे हैं, ये कौन सा बात हुआ? एक बताइए ना, हमारा जो सोल्जर जाके पाकिस्तान से वापस आ गया अभिनंदन जैसा, एक बता दीजिए आपको। प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं? प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं आप? बताइए, आपसे पूछना चाहते हैं आप किसके चाहते हैं? अच्छा, आप नीतीश कुमार को चाहते हैं? बिहार डेवलप किया है हम लोग को, बस एक ही ऐसा ही नेता चाहिए जो सबके साथ रहे, सबका विकास करे, बस इसे हमें कुछ नहीं चाहिए। लोग जनता है, ये भी मेरा भाई है, हम भी, ये मेरे बड़े भाई जैसा समान है, ये मेरा बड़ा भाई जैसा है, तो हमें ऐसा नेता चाहिए जो सबके साथ रहे और सबका विकास करे। मेहनत कौन सा अच्छा नेता है मेरे नज़र से अभी जो प्रेजेंट टाइम पे है वो मोदी अभी सही है, अभी मोदी सही है, नरेंद्र मोदी सही है। नीतीश करेंगे? नीतीश करेंगे। घर का जो मेन गार्जियन है वो तो मोदी जी है, वो देखे तभी ना होगा। नीतीश कुमार जब वहाँ तक पहुँचाएंगे बात, तभी तो बात होगी ना। पहुँचा नहीं रहे हैं, पहुँचा ही नहीं रहे हैं। लाठी चार्ज हुआ, पते नहीं चला, हुआ ही नहीं कुछ, उसके बाद क्या रिएक्शन मिला? इसके पहले लाठीचार्ज नहीं हुआ था। नीतीश कुमार बहुत आगे कर दिए हैं, क्या पहले जैसे सड़क है? पहले क्या सड़क था, अब क्या है? कुछ किया है बिजली? क्या था? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है। पहले पोशाक का पैसा आता है, पैसा नहीं आता है, छात्र है, उसके बाद जाके आपका साइकिल मिलता है, छात्र क्या 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 चाहिए आपको, घर में बैठा के आपको पढ़ाए? वो सब देखे, वो सब पहले भी मिलता था, वैसा बात थोड़ी है। क्या मोदी जी देते हैं? क्या नहीं देते हैं? वो तो ऐसा कर दिया कि मतलब समझे किस्मत बन गया। 70-75 का पेट्रोल था, अब कहाँ आ गया? कहाँ आ गया? वेतन मिलता बड़ा भैया, ऐसा किसी का सरकार रहेगा बिहार में तो यहाँ पर कल कारखाना आज तक नहीं लगा, आना लगने वाला है। ये लोग सब पॉलिटिक्स करता है, ये लगेगा वो लगेगा, ऐसे करेंगे वो करेंगे, ये उस पे डालेगा वो उस पे डालेगा, लेकिन यहाँ होता कुछ नहीं है। लड़का ग्रेजुएट करके घर पे बैठा है, चाय बना रहा है कोई ठेला पे, तो कोई पकौड़ा छान रहा है। भैया, खाली सरकारी जॉब चाहिए आपको? आलू सस्ता था, चावल सस्ता था, जब नीतीश कुमार आए, मोदी सरकार अमित शाह आया, सब चीज का रेट बढ़ गया। हाँ, चाप कांग्रेस था, इस चीज का दाम नहीं बढ़ा था, आज कैसे रेट बढ़ गया? आज कैसे टिकट का रेट बढ़ गया? प्लेन का कैसे रेट बढ़ गया? ए सी रेट कम था, 890 रुपया में था, आज कैसे 2000 रुपया लग रहा है? आज यहाँ से जाते वहाँ तो लगता है 30 रुपये किराया,
पहले 20 रुपया हम जाता था। मोदी है तो मुमकिन है, आज सारा देश जो है मोदी को मान रहा है, ना कि आपको मान रहा है, ठीक है? मोदी है तो मुमकिन है, कुछ बताइए सर। अरे बता तो रहे हैं, आज जो है लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, आज कह रहे हैं कि लोग महंगाई है। एक मिनट, आपके पास 1200 रुपया है तो गैस भरवा रहे हैं, आपके पास नहीं है तो कहाँ से भरवाएंगे? पहले भी जो है देखिए, पहले लोग आप जो है इतना विकास जो है, इतना गांव गांव रोड बन रहा है, तो सरकार जो नहीं सरकार जो है, सरकार का पैसा जो है कहाँ होता है? पहले जो है एक मजदूर काम करता था, उसका 75 रुपया 100 रुपया दाम था, ठीक है ना? आज 80 रुपया में, आज पूछे काम कितना में करेंगे? आज 500 रुपया में काम करेंगे, 500 रुपया में करते आज सब कुछ कर रहे हैं, जो है लेबर का भी जो है बढ़ गया। मोदी जी हमारे बिहार के लिए क्या किए हैं? पांच पांच काम बता दिए। जब से मेरा होश है, 15 साल लालू के राज देखे, 20 साल नीतीश सर का, क्या किया? कुछ नहीं किया। 35 साल से कोची हो रहा है, कुछ खाली यहाँ जात पात के थी बस, और कोई बात नहीं है। कोई काम नहीं हुआ है एजुकेशन सेक्टर में, जब तक काम नहीं होगा मिडिल क्लास और लोअर क्लास का विकास नहीं हो सकता है। और आपको कोई नेता आके महल में नहीं पहुंचा देगा, चाहे मोदी हो चाहे नीतीश कुमार हो। आपको अपने किसका सरकार रहता है किसका नहीं रहता है बाकी आप लोग के हाथ में है, आप लोग जनता है। और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे एक न्यूज 24। मैं नंदन, कैमरामैन रंजित के साथ, धन्यवाद।